अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। दुआ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माशाल्लाह जी, मकान जो है ना, दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह। बस एक आधी दीवार रह गई है जिसपे काम हो रहा है, बाकी जो है ना वो दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं। क्योंकि हमने मकान की हाइट जो है ना वो तकरीबन 11 फुट से ज़्यादा है, क्योंकि तैयार जो है ना हमारा ये 11 फुट होगा। क्योंकि 11 फुट जब वो मकान तैयार हो ना, तो फिर उसमें ऊपर एग्जास्ट जो लगता है उससे ज़रा गर्मी में जो ऊपर ऊपर जो उठता है वो गर्म लू, वो एग्जास्ट से बाहर चली जाती है, तो इससे मकान जो है ना काफ़ी ठंडा होता है। तो माशाल्लाह देखें, ये जवान लगे हुए हैं, तो मौसम भी बहुत ही प्यारा है। रात को बारिश भी हुई थी, तो माशाल्लाह भी ये जवान लगे हुए हैं। क्योंकि शटरिंग वाले ने भी आ जाना है आज, उन्होंने भी जो है ना सामान वगैरह लेके आना है। तो अब शटरिंग होगी, फिर उसके बाद लेंटर, तो फ्रंट भी माशाल्लाह उसका भी मैप तैयार हो चुका है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो आज मैं एंड में आपको एक और भी चीज़ दिखाऊँगा कि सिर्फ इंसान ही नहीं घर बनाते, और भी मखलूक जो है वो भी सारे घर बनाते हैं। तो माशाल्लाह हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह देखें जी, ये इंतहाई नफासत और खूबसूरती से ये लोग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होती है, तो माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत बन रहा है। तो आप ये देखें, आप हमारे साथ साथ देखें प्रोसेस इसका चल रहा है। तो जब तैयार होगा तो फिर क्या होगा, मंजर बिल्कुल अपोजिट तैयार होता है कि किस तरह ये तैयार हुआ है। तो जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, तो देखें माशाल्लाह ये दीवारें जो है ना मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये जो शटरिंग के साथ ही कॉलम वगैरह भी भर जाएंगे सारे, ये जो साइडों में देख रहे हैं, कॉलम तो बहुत कम ही लोग बनाते हैं, लेकिन हमने तो माशाल्लाह प्लाजे की तरह बनाया है ताकि 3 फ्लोर तक ऊपर चला जाए, कोई मसला ना हो। तो माशाल्लाह देखें, एक विंडो रखी है गली की तरफ, बाकी तो सारा फ्रंट ही है माशाल्लाह। सिस्टम सारा जो है ये आगे जो है ना, ये जहाँ तक ये लगा हुआ है डंडा, यहाँ तक हमने इसको ऊपर से बंद करना है, तो बाकी अंदर खुली जगह होगी। हुसैन की तरह बनाया है माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह शटरिंग भी आ चुकी है, लेके आ रहे हैं शटरिंग वाले। तो सामान वगैरह भी आ चुका है, ये कुछ सामान आया है, कुछ और आएगा। तो ये देखें, इन्होंने दरमियान में काम भी शुरू किया है, बाले से बना के रखे हैं, फिर उसके ऊपर पट्टे, फिर ये जो भी इनका प्रोसेस होता है वो माशाल्लाह पूरा करेंगे, सामान भी पूरा करेंगे आस्ता आस्ता। तो ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा आगे लान होगा, तो फिर इंशाल्लाह जब लेंटर डलेगा तो फिर इसकी पोजीशन वाजिया होगी, तो फिर भी वो आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो ये अभी फ़िलहाल देखें, ये शटरिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो आप शटरिंग बननी है, तो फिर उसके बाद जो है ना लेंटर होगा। तो फिलहाल जो है ना शटरिंग को भी 2-3 दिन लग जाने हैं, क्योंकि ये सामान भी अभी आ रहा है, फिर क्योंकि आगे से खोल के लेके आनी है शटरिंग, तो उस वजह से, क्योंकि काम हमारे ठेकेदार साहब के पास माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इनके पास, काम भी ठीक करते हैं ईमानदारी से। तो ये देखें माशाल्लाह, ये सीढ़ियों का स्टेप बनाया है इन्होंने, तो ये देखें ये सामने सीढ़ियाँ, यहाँ से जो है ना ये फर्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद मुड़ के इसने ऊपर जाना है वापस फ्रंट की तरफ, तो वहाँ फिर ऊपर इसकी चौकी बनेगी, चौकी से फिर दोबारा दूसरी साइड से होके छत पे चली जाएगी। तो ये देखें, सामान वगैरह बिखरा हुआ है, क्योंकि जब काम होता है तो फिर सिचुएशन इसी किस्म की होती है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला सब के काम को
ऐसा तरीके से करे, सबके लिए आसानियाँ करे जी माशाल्लाह। तो इंसान तो कोशिश करता है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने लगा था, ये देखें माशाल्लाह, ये हम घर बनाया हुआ है, तो आज बारिश हुई है, फिर उसकी वजह से जो है ना, ये देखें कितनी ज़्यादा मखलूक है माशाल्लाह। तो इनका घर भी देखें जी, ये किस तरह बिल्डिंग, रास्ते, हर चीज़ ज़बरदस्त की हुई है। तो ये बजरी, जहाँ हमने पहले बजरी को देखने के लिए आए थे, तो ये देखें माशाल्लाह ऊपर ये आपको नज़र आ रहा, ये सब इनके घर ही हैं। और ये तो देखें रेत पे, तो इन्होंने माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त घर बनाया है। तो ये देखें माशाल्लाह। ठीक है व्यूअर, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।